हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट की कटिंग चुरा के लगाने से घर में समृद्धि आती है। वैसे चोरी करना तो अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी पेड़ की छोटी सी टहनी को लेकर एक नया पेड़ बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ऐसा करके वातावरण को सुंदर और हरा बनाने में अपना योगदान देते हैं। मुझे आप में से कई लोगों ने बोला था कि मैं कोई वीडियो हिंदी में बनाऊं, तो मैं इस वीडियो को हिंदी में बनाने की कोशिश कर रही हूं। आशा करती हूं कि आपको पसंद आएगा। क्या आपको पता है, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो भारत के लगभग सभी घरों में पाया जाता है। इसे उगाना बहुत ही आसान है और इसकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। और मनी प्लांट की एक छोटी सी कटिंग यानी शाखा से आप इसे बहुत ज़्यादा घना और सुंदर बना सकते हैं। मनी प्लांट को पानी और मिट्टी दोनों में उगाया जा सकता है। इसे उगाना बहुत ही आसान है। मार्केट में कई तरह के मनी प्लांट के पौधे मिल जाते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन गोल्डन मनी प्लांट है। इसे आप लगभग हर नर्सरी और पौधे की दुकान पर देख सकते हैं। मनी प्लांट को सुंदर और घना बनाने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है। मनी प्लांट की मिट्टी हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। आप इसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं और कोशिश करें कि अपने पौधे को 60% कोकोपीट में लगाएं। इससे जड़ें अच्छे से सांस ले पाएंगी। जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा लेकर आते हैं तो हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि हम उसे लगातार पानी दें, लेकिन पौधों को पानी के अलावा कुछ खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये खाद यानी फर्टिलाइज़र ही होते हैं जो पौधों को अच्छे से बढ़ने में मदद करते हैं। आप कोई भी खाद यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि खाद ऑर्गेनिक हो। गाय की गोबर की खाद भी बहुत अच्छी होती है और मैं यहाँ वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई खाद नहीं है तो आप घर पर भी खाद बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर पर खाद कैसे बनता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मनी प्लांट में आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। यह मनी प्लांट के लिए एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। और कोई भी खाद देने के बाद पानी देना बिल्कुल ना भूलें। मनी प्लांट को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अच्छी रोशनी आती हो लेकिन तेज़ धूप ना आती हो। मनी प्लांट को अच्छी रोशनी पसंद है, लेकिन अगर आप इसे दोपहर की डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो इसके पत्ते जल जाएंगे। इस पौधे को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां धूप छन कर आती हो। अगर इस पौधे को आप अपने लिविंग रूम, हॉल या बेडरूम में रखना पसंद करते हैं तो मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उसे हफ्ते में एक बार अच्छी धूप में कुछ घंटों के लिए रख दें। जब आप पौधे को बाहर प्राकृतिक रोशनी यानी नेचुरल लाइट में रखेंगे तो पौधे के पत्ते कुछ सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करके यानी सोख कर अगले कुछ हफ्तों के लिए चार्ज हो जाएंगे, जिससे वो अच्छे से अपना भोजन बना पाएंगे और पौधे की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और अगर अपने मनी प्लांट को धूप से बचाने के लिए किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ अच्छी रोशनी नहीं आती हो, फिर भी आपके पौधे के पत्ते पीले होने लगेंगे और उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसीलिए अपने मनी प्लांट के पौधे को हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ अच्छी रोशनी आती हो लेकिन तेज़ धूप ना आती हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने इंडोर पौधे को कैसी रोशनी में रखें, तो आप अपने किसी भी इंडोर पौधे को सूरज की डायरेक्ट रोशनी से 2 से 3 फीट अंदर की तरफ रखें। कई बार हमें कहा जाता है कि इस पौधे में कम पानी चाहिए और इस पौधे में ज़्यादा पानी चाहिए, तो हम पौधे में अच्छे से पानी डालने से बचते हैं। लेकिन जब भी किसी भी पौधे में पानी डालना हो तो ये चेक करें कि पौधे की ऊपरी सतह की मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई हो। आप इसे ऐसे टच करके देख भी सकते हैं। अभी ये मेरे हाथ में मिट्टी आ रही है तो पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है। जब इसकी मिट्टी मेरे हाथ से नहीं चिपकेगी तब मैं इसे पानी दूंगी। जब भी किसी पौधे को पानी दें तो ये ध्यान रखें कि पानी अच्छे तरीके से दें, ताकि पानी नीचे ने झोल से जो ये कुछ होल्स किए जाते हैं पानी बाहर आने के लिए, इनसे पानी बाहर आ जाए। ऐसा करने से पौधे की हर जड़ों तक अच्छे से पानी पहुंच जाता है और पौधा मरता नहीं है। मनी प्लांट को नमी पसंद है, हमेशा ध्यान रखें कि कभी आपके पौधे की मिट्टी पूरी तरीके से न सूख पाए। किसी भी पौधे को पानी देने से पहले उसकी मिट्टी को चेक कर लें।
अगर ऊपरी सतह की 1 इंच की मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई हो तभी पानी दें। तो मनी प्लांट को हर दूसरे या तीसरे दिन पर पानी देना आइडियल होता है, लेकिन अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अधिक गर्मी पड़ रही है और आपके पौधे की मिट्टी जल्दी सूख जा रही है तो आप उसे रोज़ भी पानी दे सकते हैं। मनी प्लांट लगभग हर जगह अच्छे से चल जाते हैं, तो आप सभी एक बार मनी प्लांट ज़रूर खरीदकर उगाने की कोशिश कर सकते हैं। मनी प्लांट को नमी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप अपने पौधे में मॉस स्टिक भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पौधे को ऊपर की ओर चढ़ने में मदद मिलेगी और मॉस के ठंडे रहने की वजह से आपके पेड़ की अच्छी ग्रोथ हो पाए। कई बार लोग मनी प्लांट के पौधे को घर लेकर आते हैं लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, यानी सिर्फ एक ही शाखा बढ़ती रहती है और पौधा घना नहीं होता। तरीके से सिर्फ एक ही शाखा बढ़ती रहती है, तो चलिए हम आज देखते हैं कि कैसे हम अपने मनी प्लांट को घना और सुंदर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह पौधा बिल्कुल भी घना नहीं है और इसकी सिर्फ एक ही शाखा बढ़ी हुई है। इस शाखा को आप नोड के पास से काट लें। नोड क्या होते हैं? नोड पौधे की ऐसी जगह है जहाँ से नई पत्तियाँ निकलती हैं, और जब हम किसी भी पौधे को पानी में डालकर उगाना चाहते हैं तो नोड ही वह जगह है जहाँ से नई जड़ें निकलती हैं। अगर आप किसी भी पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो उसकी लगातार प्रूनिंग यानी छटाई करते रहें। प्रूनिंग कभी भी ग्रोइंग सीजन में ना करें। पानी में कटिंग कुछ इस तरीके से रखें कि कम से कम 4 से 5 नोड पानी के अंदर हो, क्योंकि जितने नोड पानी के अंदर रहेंगे उतने ही हेल्दी रूट्स के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसे शेड में रख दें और 10वें दिन आप इसमें कुछ रूट्स देख पाएंगे। भी आप किसी भी कटिंग को पानी में रखें तो हर 7 से 10 दिन में पानी को एक बार जरूर बदल दें, इससे रूट्स हेल्दी और फ्रेश रहेंगे। पानी से किसी भी कटिंग को मिट्टी में लगाते वक्त हमेशा भुरभुरी मिट्टी ही चुनें, क्योंकि जब भी पौधा पानी में होता है तो उसकी जड़ें बहुत ही मुलायम और डेलिकेट होती हैं। अगर आप हार्ड मिट्टी चुनेंगे तो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। पौधे को मिट्टी में लगाने के लगभग 10 दिन तक उसे डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी ना रखें, और पौधे को आपने पानी से निकालकर मिट्टी में लगाया है तो पानी बराबरी से देते रहें और मिट्टी एक बार भी पूरी तरीके से ना सूख पाए। हमेशा पौधे को पानी इस तरीके से दें कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर की ओर आ जाए, इससे सारी जड़ों को अच्छे तरीके से पानी पहुंच जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, नीचे जो लाल बटन दिख रहा होगा उसे दबाएं और गार्डन वाइज के साथ जुड़ जाएं, और बेल यानी घंटे को भी दबा लें। इससे जब भी मैं कभी कोई वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए पौधे उगाते रहें और धरती को हरा बनाते रहें। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।